नमस्कार। आज की मेरी इस वीडियो का शीर्षक श्री कृष्ण सिर पर मोर पंख क्यों धारण करते हैं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को सारे देवताओं में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय भगवान माना जाता है, इसलिए कृष्ण भक्त हमेशा उन्हें नित्य नए कपड़ों और आभूषणों से लादे रखते हैं, उन्हें इत्र फूलमाला आदि चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम अवतार में आए तो उन्हें माँ कैकेयी द्वारा 14 साल का वनवास दिया गया। तब सीता जी भी उनके साथ वनवास हो गए। वनवास के दौरान एक बार माता सीता को पानी की प्यास लगी, तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल में जंगल ही जंगल दिखा। उन्होंने कुदरत से प्रार्थना की कि हे जंगल देवता जी, यदि आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपया हमें सुझाएं। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में भूल चूक हो सकती है क्योंकि मैं उड़ के जाऊंगा और आप पैदल जाएंगे, पर आप चिंता मत करिए, मैं मार्ग में अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। यह बात हम सबको पता है कि मोर अपने पंख एक विशेष ऋतु में ही बिखेरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था तब उसने प्रभु से कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई और इच्छा नहीं रही, मेरा जीवन सफल हो गया। तभी भगवान राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो पंख बिखेर कर मुझे अपना ऋणी बना दिया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा और इस कर्ज रूपी पंख को अपने सिर पर चढ़ाऊंगा। इसके बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने अपने इस ऋण को चुकाया। इस जन्म की कहानी इस प्रकार है। राधा रानी के महल में आपको आज भी बहुत सारे मोर नाचते दिखाई देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो राधा जी उनकी धुन पर नृत्य क्या करती थी, उनके साथ मोर भी नाचा करते थे। एक दिन नृत्य करते समय मोर का पंख नीचे गिर गया और जिसे उठाकर राधा जी ने श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण को राधा जी द्वारा दी गई वस्तु अत्यधिक प्यारी होती है, उन्होंने उसे अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के मस्तक पर स्थित मोर पंख राधा के प्रेम की निशानी है। मोर पंख में विभिन्न रंग होते हैं, कुछ हल्के कुछ गहरे। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख के इन रंगों के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि मानव जीवन भी इसी तरह रंगों की भांति है, कभी इसमें दुख होते हैं तो कभी सुख। भगवान ने अपने मस्तक पर मोर पंख को धारण करके अपना वादा पूरा किया। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।